हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी एंड टेस्टी बाय अनुरूपा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाल की एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है डाब चिंगरी। डाब यानी के नारियल और चिंगरी यानी के प्रॉन्स। तो आप लोग समझ पा ही रहे होंगे ये रेसिपी कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेडीमेड मस्टर्ड पाउडर होता है उसको मैं यहाँ पे ले लूंगी 3 टेबल स्पून। ऐड कर दूंगी थोड़ा सा वार्म वाटर और 1 चुटकी नमक। अच्छे से इसको मिला दूंगी और रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। अब ये जो प्रॉन्स है इसका शेल हम निकाल लेंगे, लेकिन पूरा नहीं निकालेंगे, लास्ट वाला पार्ट बस ऐसे ही इसको रहने देंगे। इस प्रॉन को साफ कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जिसको एकदम आप स्किप मत कीजिएगा, जिसके लिए थोड़ा सा ऐसे स्लिट करेंगे ऊपर। और आप देख रहे हैं ये जो काला एक हिस्सा है इसको हाथों के मदद से ऐसे खींच के निकाल लेना होगा। तो फिर से एक मैं दिखा देती हूँ कैसे इसको साफ करना है। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे स्लिट करना है और हाथों के मदद से ऐसे जो धागा जैसा एक काला पार्ट होता है उसको निकाल देना होगा। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जो साफ किया हुआ प्रॉन्स है इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अब मैं ले लूंगी ऐसा एक नारियल जिसका पानी मैंने पहले से निकाल के रख दिया है। अब जो इसका मलाई है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसका 60% जैसे मलाई को बस अंदर निकाल लिया है। अब इसको पीस लूंगी। तो जिसके लिए मेरे को चाहिए एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक। नमक पहले भी मैंने यूज किया है प्रॉन्स को मैरिनेट करने के वक्त और मस्टर्ड पेस्ट में, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हमको यूज करना होगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून नारियल पानी और इसका अब मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। थोड़ा सा आटा लेके हमको एक डो बना लेना होगा। हमको यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपा एक डो बना लेना है। जो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स है उसमें हम ये पेस्ट ऐड कर देंगे। मस्टर्ड पेस्ट भी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 100 ml के करीब नारियल का दूध, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हल्के हाथों से इसको कर लेंगे मिक्स। ऊपर से करीब 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कर लेंगे इसको मिक्स। अब एक स्पून के मदद से नारियल के अंदर एक एक करके ये प्रॉन्स को मैं ऐड करते जाऊंगी। और जब ये नारियल पूरा भर जाएगा इसका मुंह मैं सील कर दूंगी कुछ ऐसे।
ये आटे के डो से। अब एक पॉट में मैं पानी गरम कर लूंगी। पानी जब थोड़ा सा गुनगुना गरम हो जाए उस पॉइंट पे मैं ये जो नारियल है उसको बीच में ऐड कर दूंगी। और ऐसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में इसे पकने के लिए मैं रख दूंगी कुछ 15 से 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट बाद फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और फिर से 10 मिनट तक के लिए ऐसे स्टीम पे इसको रहने के लिए रख देंगे। और ये जो आटे का डो है इसको केयरफुली यहाँ से मैं रिमूव करूँगी। आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये कुक हो चुका है। आप मेरा यकीन मानो, गरम गरम राइस के साथ ये रेसिपी अगर बस हो जाए ना तो इसके साथ और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। थोड़ा सा भी रेसिपी आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे ऐसे ही कोई नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।